नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एक और वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों देश की 8th वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इन दोनों स्टेट्स के लिए एलोकेट की गई है। और 19th जनवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस न्यू वंदे भारत ट्रेन को तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से फ्लैग ऑफ कर दिया जाना है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सिकंदराबाद से विजयवाड़ा के बीच में एक वंदे भारत ट्रेन एलोकेट की गई है और अब ये प्लान ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दिए गए हैं। एक बार जब ट्रेन सर्विस स्टार्ट हो जाती है तो सिकंदराबाद से विजयवाड़ा के बीच में जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 8 आवर्स में ही कंप्लीट हो पाएगा, जिसको एज ऑफ नाउ एक्सप्रेस ट्रेन के थ्रू 12 to 14 आवर्स तक का समय लगता है। इस वंदे भारत ट्रेन के अलावा 19th जनवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन भी रखा जाना है। 699 करोड़ स्पेंड करके सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को एक पूरा का पूरा मेकओवर दिया जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 सालों के अंदर अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर के अंतर्गत जितनी भी लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी अब वो रिजोल्व कर दी गई हैं, जिसके लिए आप देखेंगे कि फ्यूचर में बहुत ही जल्द इसके एक्सटेंशन के ऊपर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो सब बारापुला एलिवेटेड रोड 2010 में हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली में ओपन किया गया था, जो सराईकाले खान को एम्स दिल्ली से कनेक्ट करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसके लिए मैंडेटरी हो गया है कि अभी इसको एक्सपांड किया जाए। लेकिन लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम के चलते इसका जो काम था वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था, पर अब दिल्ली के PWD डिपार्टमेंट के द्वारा लैंड का पोजीशन ले लिया गया है, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि अब इसका जो एक्सपांशन है वो काफी इजीली हो पाएगा। एक्सपांशन प्रोग्राम के अंतर्गत 3.5 किलोमीटर की और स्टेच का डेवलपमेंट किया जाना है, जिसके ऊपर 1068 करोड़ स्पेंड किए जाएंगे। एक बार जब स्टेज बनकर तैयार जाती है तो ये मयूर फेज 1 को सराईकाले खान से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी और पूरी की पूरी एक सिग्नल फ्री स्टेज ऑफर करेगी। तो देखते हैं कि कब तक इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो पाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र से रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के एक्सपांशन की DPR प्रिपेयर कर ली गई है और अभी इसको अप्रूवल के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेजा गया है। दोस्तों मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हमारे देश का पहला एक्सप्रेसवे था जिसको 2002 में ओपन किया गया था, लेकिन आज के समय में ये हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रोड बन चुका है, क्योंकि मुंबई से पुणे के बीच में ट्रैवल करने वाले लोग मोस्टली इसी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए मैंडेटरी होता जा रहा था कि इसको एक्सपांड किया जाए। एक्सपांशन प्रोग्राम के अंतर्गत यहां पर 2 एडिशनल लेन्स को डेवलप किया जाएगा, दोनों साइड के लिए एक एक लाइन होगी। ओवरऑल 900 करोड़ रुपीज इसके एक्सपांशन के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का प्लान है कि जब एक बार इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया जाता है या फिर एक्सपांशन वर्क स्टार्ट कर दिया जाता है तो उसके अगले 1 साल के अंदर अंदर ही इसको एक्सपांड कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है देश के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन यूनिवर्सिटीज को ये अलाउ करेंगे वो भारत में उनके कैंपस सेटअप कर पाएं। और इसको लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ड्राफ्ट प्लान प्रिपेयर कर लिया गया है। उसे जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम का फिर एजुकेशन सेक्टर को बड़े स्केल पर रिफॉर्म्स की जरूरत है और इसका फायदा भी है, क्योंकि अगर हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर दिया जाता है तो बहुत सारी जो पब्लिक प्रॉब्लम्स है वो अपने आप खत्म होती देखने को मिलेंगी। करंटली हमारे देश में कोई भी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी उनके कैंपस को सेटअप नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी रेगुलेशंस उनके ऊपर लगा रखी हैं। पर अब ये जो न्यू रिफॉर्म सामने लाई जा रही है इसके अंतर्गत मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि आने वाले समय बहुत सारी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या फिर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके कैंपस हमारे देश में सेटअप करेंगे और नो डाउट ये देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी साबित होगा। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों स्टेट में ई मोबिलिटी को पुश करते हुए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को अप्रूव कर दिया गया है और अब इसके चलते पंजाब स्टेट हमारे देश की उन गिनी चुनी स्टेट्स की लिस्ट में शामिल हो गई है जिन्होंने खुद व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को अप्रूव किया है। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस की गई है ये एक तरह की मैंडेटरी पॉलिसी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत लोगों की जो कार्स या फिर उनके जो व्हीकल्स हैं उनको फोर्सफुली स्क्रैप में नहीं तब्दील किया जाएगा, अगर उनकी मर्जी होगी तभी उनको स्क्रैप में कन्वर्ट किया जाएगा। पॉलिसी के अकॉर्डिंग 8 साल पुराने ट्रांसपोर्ट एंड 15 साल पुराने नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इसके अंतर्गत एलिजिबल हो पाएंगे। जिन भी व्हीकल्स को यहाँ पर स्क्रैप किया जाएगा उनके ओनर्स को न्यू व्हीकल परचेज करने के लिए कई तरह के टैक्स एग्जेम्पशन दिए जाएंगे, साथ साथ जो व्हीकल स्क्रैप किया जाएगा उसकी स्क्रैप वैल्यू भी दी जाएगी और वहीं कई तरह के टैक्स रिबेट्स भी दिए जाने हैं। तो उसे देखते हैं कि ये पॉलिसी पंजाब के लिए बेनिफिशियल साबित हो पाती है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेवी से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन नेवी के द्वारा अमेरिकन मेड F-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट कर दिया गया है
और अब हमारी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स की तरह फ्रांस में रफेल जेट्स को ही प्रक्योर करेगी। सो बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी इंडियन एयरफोर्स अभी एज ऑफ नाउ रफेल जेट्स का इस्तेमाल कर रही है, जो डील अभी रिसेंटली कंक्लूड की गई है। सिमिलरली INS विक्रांत पर डिप्लॉयमेंट के लिए हमारी इंडियन नेवी के द्वारा भी फाइटर जेट्स को प्रक्योर किया जाना है, F-18 सुपर हॉर्नेट जो कि अमेरिकन मेड है, और रफेल M जो कि रफेल जेट्स का एक मरीन वर्जन है। ये दोनों रेस में बने हुए थे और हमारी इंडियन नेवी रिग्रेसली इनकी ट्रायल एंड टेस्टिंग के ऊपर काम कर रही थी, जिसमें फ्रांस का रफेल M हमारी इंडियन नेवी के द्वारा पास कर दिया गया है, क्योंकि हमारी इंडियन नेवी के द्वारा कहा ऐसा गया है कि उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर जो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स हैं वो रफेल M ही कंप्लीट कर पा रहा है। अब मोस्ट प्रोबली आप देखेंगे कि आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर 26 रफेल M को प्रक्योर करने के लिए जो डील है वो साइन होगी, जो कि देश के डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत एक और मल्टी बिलियन डील साबित होगी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है एक न्यू पेंट फैसिलिटी से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों होम ग्राउंड पेंट मेकर एशियन पेंट्स के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश में उनके पेंट बिजनेस को और भी बड़े स्केल पर एक्सपांड करेंगे और 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ वो हमारे देश में उनका एक और पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे। तो वैसे जिन लोगों को नहीं पता, मैं इनको बता दूं कि एशियन पेंट ऑलरेडी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इनके पास हमारे देश की कई सारे स्टेट्स में बड़े लेवल पर पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हैं, और अब जो न्यू फैसिलिटी इनके द्वारा सेटअप की जानी है, अभी इसकी लोकेशन फाइनलाइज नहीं की गई है, लेकिन इनिशियल प्लान के अकॉर्डिंग ये फैसिलिटी मध्य प्रदेश स्टेट में बनकर तैयार होगी। 2000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के साथ बनी ये फैसिलिटी एक वाटर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, जो पर ईयर 400,000 किलोलीटर पेंट प्रोड्यूस कर पाएगी। तो देखते हैं कि कब तक इसके ऊपर काम स्टार्ट हो पाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूपी गवर्नमेंट को लेकर, जहाँ पर दोस्तों यूपी स्टेट में आने वाले RITS के लिए ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 17 बस फीडर रूट्स अप्रूव कर दिए गए हैं, और टारगेट ये सेट किया गया है कि मार्च 2023 में जब RITS ऑपरेशनल होगा उससे पहले पहले ही इन फीडर रूट्स पर बस सर्विस को स्टार्ट कर दिया जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बस फीडर रूट्स हैं स्पेसिफिकली RITS के लिए स्टार्ट किए जाएंगे, तो RITS को ही ध्यान में रखते हुए प्रपोजल भी सामने रखा गया था, जो नवंबर 2022 में ही यूपी गवर्नमेंट के सामने रख दिया गया था। हालांकि अभी अप्रूवल इसको अब मिली है, साहिबाबाद, गुलधर एंड गाजियाबाद, ये जो 3 RITS के स्टेशन होंगे इन्हीं के लिए ये 17 बस फीडर रूट डेडिकेटेड होंगे। और कहा ऐसा जा रहा है कि जैसे जैसे RITS का जो प्रायोरिटी कॉरिडोर ऑपरेशनलाइज होगा उससे पहले पहले ही इन फीडर रूट्स के ऊपर बस सर्विस स्टार्ट कर दी जाएंगी। 17 रूट्स में से 9 रूट्स साहिबाबाद से ओरिजिनेट होंगे, जबकि 4-4 रूट गाजियाबाद एंड गुलधर से ओरिजिनेट होंगे। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है अडानी ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों अडानी ग्रुप के द्वारा एक और इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सेटअप करने का बड़ा प्लान हमारे सामने रखा गया है, और इसको सेटअप करने के लिए इन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास 700 एकड़ फ्लैट अलॉट करने के लिए डिमांड की है। तो ये इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एक काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि अडानी ग्रुप के द्वारा इसके ऊपर 5,500 करोड़ रुपीज़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान सामने रखा गया है। अगर एक बार ये इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये डायरेक्टली 21,000 जॉब जनरेट कर पाएगा, और इनडायरेक्ट वे में भी 42,000 जॉब जनरेट कर पाएगा। वैसे इससे पहले भी हमारे NCR रीजन में स्पेसिफिकली नोएडा के आसपास उनके ऑपरेशन को एक्सपांड करने के लिए अडानी ग्रुप ने येडा के पास 250 एकड़ ऑफ लैंड की डिमांड की थी, जहां पर उनके द्वारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर सेटअप किया जाना है। कहा ऐसा जा रहा है कि यूपी इन्वेस्टर समिट से पहले पहले यूपी गवर्नमेंट के द्वारा मोस्ट प्रोबेबली इनके दोनों के दोनों प्रपोजल अप्रूव कर दिए जाने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।